हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एवीएन नॉलेज। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में, सेल के डिस्कवरी के बारे में, सेल के टाइप्स के बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेल के बेसिस पे हमने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। आज हम बात करेंगे सेल के कंपोनेंट्स के बारे में, सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें आपको नाम मैंने दिखाए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स जो हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को कैरी करने के काम आते हैं। जैसे आप लोगों की बॉडी में, हम लोगों की बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जैसे सभी ऑर्गन होते हैं, सबके अपने अपने काम डिसाइडेड होते हैं, सब अपना स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, उसी तरीके से सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनका सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर वेल डेफिनेट टाइप का होता है। इनके स्ट्रक्चर के वेल डेफिनेट होने का कारण है कि ये एनवलप्ड होते हैं, मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। नेक्स्ट, इसमें कहा गया है कि इन सभी ऑर्गेनल्स की शेप और साइज जो है सबकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इनके मेम्ब्रेन्स जो है वो ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट की, इन सेल ऑर्गेनल्स की एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो रिक्वायरमेंट्स के में आपको कहा गया है कि ये जो सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर कितने सारे फंक्शन होते हैं, डाइजेशन हुआ, रेस्पायरेशन हुआ, सभी के अपने अपने ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शन कंप्लीट करते हैं। उसी तरीके से सेल के ऑर्गन्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सेल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन, या जिसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप जिसे बोल सकते हो। सेल मेम्ब्रेन के लिए कहा गया है कि ये एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर पाई जाती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। लिपोप्रोटीन का मतलब हुआ लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। और एक ये लिविंग मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल इसका नेचर होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। लिविंग मेम्ब्रेन का मतलब है प्रोपोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको ईजीली जो बाहर से जो भी मटीरियल या सब्सटेंस सेल के अंदर आने चाहिए उनको ये ईजीली अपने अंदर अलाउ करती है आने के लिए, ठीक है। बात करेंगे सेल वॉल की, तो सेल मेम्ब्रेन से सेल वॉल ज़्यादा डिफरेंट होती नहीं है। इनका बेसिक फ़र्क ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल्स में पाई जाती हैं, जबकि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में ही देखी जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है प्लांट सेल्स में, लेकिन वो कुछ इस तरीके से होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ आपको मैंने एक प्लांट सेल दिखाई है, एक एनिमल सेल दिखाई है, जिसमें ये जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, ये जो डबल लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये बाहर वाली जो आउटर मोस्ट लेयर है ये है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग के नाम से भी जानी जाती है। ये एक डेड सेल होती है और इसके ये कैसी होती है, फ्रीली परमिएबल होती है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस इसके अंदर आए जाए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे ही सब्सटेंस को अपने अंदर आने के लिए अलाउ करती है। दूसरी बात, ये प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, उसे स्ट्रॉन्ग करती है, उसे प्रोटेक्शन देने का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो सेकंड कंपोनेंट हम देखेंगे वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म देखिए, एवरीथिंग विद इन सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, यानी कि जो भी लिक्विड मटेरियल कहाँ सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस को छोड़ करके, उसे आप किस नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये मोस्टली वाटर का बना हुआ होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर पाए जाते हैं, साथ ही इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो इसके अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। नेक्स्ट हम अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करते हैं, तो साइटोप्लाज्म जो है सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी कि स्थान देता है, यहाँ से सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन शुरू होती है। दूसरी बात, इसमें दूसरा फंक्शन बताया गया है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ इनिशियल स्टेज जो होता है रेस्पायरेशन का, जो इनिशियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब साइटोप्लाज्म से शुरू होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को साइटोप्लाज्म जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा रेस्पायरेशन के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पायरेशन में इम्पॉर्टेंट होता है, नो मैटर रेस्पायरेशन
पॉलीमराइजेशन के लिए सारे जितने भी रिएक्शन होते हैं वो वहाँ पर होते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज जो है या इनिशियल साइट जो है वो साइटोप्लाज्म से शुरू होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉक्यूल्स के बारे में। वॉक्यूल्स जो है सिंगल मैम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन होता है, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और स्टोरेज के काम आता है। वॉक्यूल्स जो है वो एनिमल सेल्स में भी पाई जाती हैं, प्लांट सेल्स में भी पाई जाती हैं, लेकिन इनके हम डिफरेंस देखेंगे कि वॉक्यूल्स जो है एनिमल सेल में कैसे डिफरेंट होती है प्लांट सेल से। तो पहले हम एनिमल सेल की बात करेंगे। वॉक्यूल्स जो है एनिमल सेल के अंदर स्मॉल होती है, टेम्प्ररी होती है और ग्लूकोज, प्रोटीन और ग्लाइकोजन को स्टोर करने के काम आती है। काफ़ी छोटी छोटी वॉक्यूल्स होती हैं और ये बहुत टेम्प्ररी होती हैं। जैसे ही इनका काम ख़त्म होता है वैसे ही ये धीरे धीरे दिखना बंद हो जाती हैं। बात अगर हम करेंगे प्लांट सेल के अंदर वॉक्यूल्स की, तो प्लांट सेल के अंदर ये काफ़ी लार्ज होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं, ईजिली विजिबल होती हैं, देखने में आपको बहुत ईजिली दिख जाएंगी। बड़ी बड़ी वॉक्यूल्स प्लांट सेल्स के अंदर बनी हुई होती हैं और ये वॉक्यूल्स जो हैं प्लांट सेल के अंदर परमानेंट होती हैं। जैसा कि आपने देखा एनिमल सेल के अंदर टेम्प्ररी होती है, तो ये प्लांट सेल के अंदर परमानेंट होती हैं। प्लस ये क्या काम करती है, सेल सैप को स्टोर करने का काम करती है। सेल सैप क्या होता है, सेल सैप वो सब्सटेंस हैं जो किसी भी सेल को अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जिनमें एमिनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं। इसके अलावा 50-90% किसी भी प्लांट सेल का 50-90% एरिया इन वॉक्यूल्स ने कवर करके रखा होता है, ऑक्यूपाई करके रखा होता है। इसकी वजह से ये क्या करती हैं, जैसे जैसे वॉक्यूल्स बड़ी होती जाती हैं वैसे वैसे ये न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ पुश करना शुरू कर देती हैं, यानी कि उन्हें कॉर्नर में, न्यूक्लियस को कॉर्नर में शिफ्ट कर देती है। यूजुअली एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस कहाँ होते हैं, सेंटर में होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर वॉक्यूल जैसे 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 स्पेस ऑक्यूपाई करती जाएगी वैसे वैसे ये न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ धक्का दे देती है, पुश कर देती है। नेक्स्ट इसमें क्या काम आती है ये वॉक्यूल्स स्टोरेज, ये जो मटीरियल है, ये जो सेल सैप है या ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं इनको स्टोर करने के काम आती है। प्लस ये प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करने के, कठोरता प्रोवाइड करने के और टर्जिडिटी प्रोवाइड करने के काम आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या ER के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता क्या है, बेसिकली नेटवर्क होता है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, उसका एक जाल सा बुना हुआ होता है और ये अंदर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है और बाहर की तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। इसका काम आपको बताया गया है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है ये सेल को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो भी दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के हो सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस पे कुछ इस तरह से अटैच होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सरफेस पे जब कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, यानी उनकी सरफेस जब बिल्कुल स्मूथ होती है, तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के नाम से जाना जाता है। फंक्शन की बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शन अगर हम देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या काम आते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज को फैसिलिटेट करने के काम आते हैं। वहीं अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लिपिड सिंथेसाइज करने में और बायोकेमिकल रिएक्शंस को फैसिलिटेट करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ये चैनल ऑफ मटीरियल की तरह भी काम करते हैं। चैनल ऑफ मटीरियल का मतलब है कि मटीरियल्स को सेल के इस हिस्से से इस हिस्से में लाने ले जाने का काम भी ये कर सकते हैं। देखिए आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम शुरू हुई है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है अंदर की तरफ न्यूक्लियस से अटैच होती है और बाहर की तरफ वो सेल मेम्ब्रेन से, या जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती है, जहाँ पे जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जा रहा है, और जिनकी सरफेस पे कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है उन्हें आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के नाम से जानते हैं।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग ऑर्गन्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हिट द बेल आइकन इफ़ यू नेवर वॉन्ट टू मिस द वीडियो फ्रॉम AVN नॉलेज।